तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल ये 30 डिग्री है और इधर से 60 डिग्री है और ये फिक्स्ड है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास 20 kg, फ्रिक्शन कोफिशियंट √3 है और इस ब्लॉक का मास 40√3 kg है और फ्रिक्शन कोफिशियंट क्या है 0.1 × √3 है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एसेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, इस पूरे सिस्टम का एसेलरेशन बताइए और साथ में टेंशन भी बताइए। ओके तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होता है पुल निकालना कि कितना पुल फोर्स है और मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स निकालना, ये तरीका होता है। तो ये वाला एम जी साइन थीटा आप ऐसे दिखाओगे एम जी साइन 30 डिग्री और ये क्या बनेगा एम जी साइन 60 डिग्री। तो एक इधर पुल किया जा रहा है एक इधर पुल किया जा रहा है तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा रस्सी के डायरेक्शन में नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, पुल फोर्स निकालोगे ना एक पर्सन ऐसे खींच रहा है एक ऐसे खींच रहा है, कोई पूछे कि नेट कितने खींच रहा है तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स। तो पुल फोर्स क्या होगा 40√3 g sin 60 माइनस ये वाला फोर्स 20 g sin 30। सॉल्व कर दीजिए तो आ गया 50 g, तो पुल फोर्स आ गया 50 g। अब अपोजिंग फोर्स, तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स अगर पूरा सिस्टम अगर ऐसे भागना चाहता है ऐसे तो यहाँ का फ्रिक्शन उल्टा काम करेगा यहाँ का भी उल्टा काम करेगा तभी तो मैक्सिमम अपोजिंग आएगा। तो मैक्सिमम अपोजिंग के लिए हमेशा ऐड किया जाता है ऐड करके, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा मी एम जी कॉस थीटा √3 mg cos θ 30 डिग्री और यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री, मैंने लिख दिया म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद वैल्यू आएगी 36 g। तो पुल फोर्स 50 g है और अपोजिंग फोर्स क्या है 36 g है, इसका मतलब पुल ज़्यादा है इसका मतलब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, तो पुल ज़्यादा अपोजिट एक्सेलरेट करेगा। कोई पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा तो आप कैसे निकालोगे नेट पुल फोर्स में से मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स घटा देंगे और टोटल मास से भाग कर देंगे, क्योंकि नेट पुलिंग फोर्स माइनस नेट अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो मैंने 50 g माइनस 36 g डिवाइड बाई टोटल मास, इसका मास क्या होगा 20 kg, इसका मास क्या होगा 40√3 से भाग कर दिया, आगे एक्सेलरेशन। तो सिस्टम इस तरीके से एक्सेलरेट होगा। अब पूछ रहा था बताइए कि टेंशन कितना होगा, अगर यहाँ का टेंशन टी निकालना है तो इस पर लगा दीजिए एफ बराबर एम ए सिर्फ इस ब्लॉक पे, तो 40√3 g sin 60 माइनस टी और यहाँ का फ्रिक्शन के ऊपर काम करेगा आएगा म्यू एम जी कॉस 60 डिग्री बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक मिनट उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए सॉल्व करेंगे टी आ जाएगा। ओके इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पुल फोर्स निकालेंगे अपोजिंग फोर्स निकालेंगे, पुल ज़्यादा तो एक्सेलरेट करेगा अगर पुल कम है तो एक्सेलरेट नहीं करेगा। और एक्सेलरेशन कैसे आएगा पूरे सिस्टम पे नेट पुल फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर टोटल मास इंटू ए कर देंगे आंसर आ जाएगा।